नमस्ते दोस्तों, ओल्डीज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज सुबह मैंने आपको कनेर का घी और श्री गोपाल तेल, इनकी जानकारी, इनका उपयोग और इनकी विधि और इनकी मात्रा, ये सारा मैंने वीडियो के अंदर दिया। काफ़ी बड़ा वीडियो बना। कुछ मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो उनको मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि कनेर से सब डर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं डरने की कोई बात नहीं है। जितनी मात्रा मैंने बताई है और जो विधि मैंने बताई है, उस तरीके से अगर आप कनेर का घी बना सकते हैं और बना लेते हैं, तो एक पान में दो रत्ती यानी कि 240 मिलीग्राम या 243 मिलीग्राम, तो इसके अंदर पान में या पताशे में चबाएं, ऊपर गाय का मिश्री मिला हुआ दूध पिए। अगर जैसा मैंने बताया है और उस हिसाब से ही आप अगर खुराक लेंगे, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं स्वस्थ आदमी के अंदर। और जो जिनको बीमारियां हैं, वो मैंने वीडियो के अंदर जिक्र कर दिया। मेरे को एक सज्जन ने लिखा कि कनेर से सब डरते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं। जिस तरह इसका शुद्धिकरण हो रहा है, देखो दूध के अंदर जब इसको गर्म करेंगे तो इसकी जो तेजी है वो बहुत ख़त्म हो जाती है। फिर दूध का दही बनता है और दही को मथने के बाद में जो घी बचता है, तो उसके अंदर उसके जो 100% जो तेजी है, आप यूँ मान के चलो कि उसकी तेजी है एक नॉर्मल स्टेज पे आकर के घी के अंदर होती है। और वो एक आदमी के लिए दो रत्ती पर्याप्त है। ये शास्त्रोक्त नुस्खा है, आरोग्य प्रकाश का नुस्खा है, इसलिए कहीं डरने की बात नहीं। क्योंकि जिन्होंने इसका बनाया है और किया है, इसके अलावा और भी कई बुक्स में इसका जिक्र है। अतः आप अपने दिमाग में कोई भय हो उसको निकाल दें और इसको विधि के अनुसार आप लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो पहले से ही कई रोगों से ग्रसित है, कृपया वो न लें। और फिर भी जिनके मन के अंदर डाउट है, वो अपने किसी भी चिकित्सक की देखरेख में इसे बनवा के इस्तेमाल करें। थैंक्स।